चलो भाई कथी करना था, क्वेश्चन नंबर 5, एक का 5 एक्सरसाइज ये है वाला, ठीक है ना। कितना रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर लड्डू रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर लड्डू। अब एक चीज देखो यहाँ पे गौर से, रूट सिर्फ 2 पर है 3 पर है, यहाँ यहाँ समझा रहा है, चर जो भी है x y उस पे रूट नहीं है, ध्यान रखना। समीकरण कैसे आए, एक से मान लो ना भाई, लो हो गया रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 हो गया। तो हमको तो x क्लियर करना है ना, चलो तो ये प्लस में है तो उधर का कथी में हो गया, माइनस में हो गया, इधर छोड़ दे ली है ना। चलो तो x बराबर कितना है, माइनस रूट 3 बटा में रूट, अच्छा y वो है ना, अब ठीक है कोई दिक्कत। समीकरण क्या में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, बात मत करो पूरा ध्यान एकत्रित करो यहाँ पे केंद्रित करो, क्या समीकरण 2 भाई, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, ठीक है ना। देखो x कहीं है आए, तो x कथी है गुणा में है, ब्रैकेट दे तो ब्रैकेट का मतलब भी तो गुणा आता है, सटल था मतलब गुणे में ना है, और x जगह पे इतना लिख सकते ना, माइनस रूट 3y बटा में रूट 2 है ना, ब्रैकेट बंद, ये माइनस है तो माइनस, रूट 8 है तो 8, y है तो y, 0 है तो 0 हो गया, कोई चेंजिंग नहीं, गुणा कीजिए तो प्लस माइनस कथी हो गया, माइनस रूट 3 तो कितना 3 होगा, 3y अब बटा में कितना है भाई, रूट 2 माइनस रूट 8y बटा में ना कुछ होता 1 बराबर 0, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आ जाओ एलसीएम लिए तो रूट 2 1 का तो रूट 2 ही होगा, इसे कट जाएगा तो माइनस 3y माइनस ये कटेगा तो रूट 2 में रूट 16 रूट 8 से तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक ना, वाई बराबर कितना 0। अब बहुत बच्चा को ये समझ में नहीं आया होगा, हम समझा रहे हैं रूट 2 गुने रूट 8 तो कितना होगा, रूट 16 होगा, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है ना, रूट 16 जो है किस 16 जो है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर जो होता है 16, याद है नहीं, इसी तो याद होना चाहिए, इसलिए 4 लिख दिया डायरेक्ट, अब वाई था तो वाई, ओके चलो आ जाओ भाई। अब गौर फरमाइए 3 गो आई क्या गो 4 गो तो माइनस में 7 गो वाई हो गया है, चलो बटा में कितना रूट 2 बराबर लड्डू ना कुछ तो बटा में 1, ठीक है ना, दिख रहा है भाई कैमरा में देखो तो दिख रहा है ना, चलो नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाओ ना, अब यहाँ से गौर से देखो तो ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो एक से गुना कीजिएगा तो जस के 7y, 0 में कुछ इसे गुना कीजिएगा था वो 0 हो गया ना, तो y बराबर कितना हो गया 0, गुना में तो कथी में जाएगा भाग में है, तो 0 बटा समथिंग कथी होता है 0, समझ में आ गया ना, तो x का वैल्यू y का वैल्यू कथी आया 0, समीकरण कथी में 1 में y का मान रखने पर, ठीक ना। समीकरण 1 किधर भाई, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 है ना, चलो आ जा भाई, रूट 2x प्लस रूट 3 वाई की जगह पे कथी 0 रखना है ना, सटल इसलिए गुना बराबर 0, तो रूट 2x प्लस ये तो पूरा लड्डू हो गया छोड़ दे बराबर 0 ये वाला हो गया, x बराबर कथी 0 गुना में तो कथी में चल जाएगा भाग में है ना, 0 बटा समथिंग कथी हो जाएगा 0, समझ में आ गया, इसलिए x बराबर भी कथी 0, अतः x बराबर 0 y बराबर 0, तो इनका जाँच के भी चेक कर लो देखो।